जय माता जी मियां मां। ये फोन कर जो जी हीरा बाबा ने हमें फरवा निकली गया है। तू असे रे हमें निकलना हमें जाना रहे एम की तो निकल गया हमने। ओए ममुड़ी आया अरे काय बोल न देखा दवा है आशीष पटेल फोन कर चलो उदयपुर। फ्लाइट से देख लो इसका जो पूरा बॉर्डर है ना ये पूरा अपना इंडिया का मैप है जो समझ लीजिए ठीक है बाबा। बीच में जो गार्डन देख रहे हैं इसको बोलते हैं नेहरू पार्क आइलैंड। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनके नाम से नेहरू पार्क आइलैंड बनाया गया क्योंकि पिछला झील के अंदर राजा करण सिंह जी ने अपने लिए महल बनाया था जो अभी उसको होटल में तस्दीक किया हुआ ताज ग्रुप को लीज पे दे रखा। उसमें 35,000 से रूम स्टार्ट है 1.5 लाख रुपए तक का रूम है। सीजन ऑफ सीजन में रेट ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर में जो स्टैचू दिख रहा है ब्लैक कलर का देखिए आप यहाँ महाराणा प्रताप का ओनली 4 स्टैचू लगा हुआ है। इनका मेन तलवार बाला वगैरह म्यूजियम सारा सिटी पैलेस के अंदर है। यहाँ फिर भी अगर आप जाते हो तो 120 आपका टिकट है 120 रुपया बजाने से कोई मतलब नहीं आता ठीक है ना सर। यहाँ ओनली 4 पुतला है ये स्टैचू पत्थर का इसकी वजह यहाँ से बोट राइड करो आप स्पीड स्लो दो तरह का बोटिंग होता है ठीक है भैया ठीक है। राजा नहीं बेन मामा ने जी बोले रो के वो एकलो बैठो है ने ये चिड़िया बने क्यों छोटी
ખાસું ને યાર ખાસું ને યાર ટકટ મોકલા આ કે તળાવી જાય ને એટલું મોટું અહીંયા એટલું ચડવાનું ઉપર તમારે સીડીમાં કેટલું ચડવાનું પિસ્તોલો બધી કેટલો લાંબી ગલી હે કિલોમીટર દિવાલો કેટલી ભૂલી જતા ઈ વખત ના પિત્તા કોઈ છે નહીં નીચે જવાય નથી ડાયરેક્ટ જો બોલો આ ચૂલા ને પેલા વારી દેશી આઈટમ પિત્તલના માટીના ગળા ખાના બનાવવાના આજે બોલો દીવા લગાડતા અહીંયા આમ જો આ રહ્યો બેડ કેવા હતા એ વખતે જો જો પંખો શિવમ એ વખતે પંખા હાલતા જો ચીમની થયા લાગતા જો આ ટોયલેટ હોટલ આવી ગયા આજો બ્યુટી પાર્લર
પટેલ મમ્મી ઓની ફેવરિટ જગ્યા જે મે બધી આવી વખત બધા તને મંજીરા આસો હે એ કોડી 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 આજો છોડા મશીન કેમ પડી ગઈ સારા નયા આયા છે સેર બજારા પડ્યો વેન્ટિલેટર જેવો નીચે અંદર બંધ પડી ગઈ નહી બંધ જશે બેટા ત્યારે જોઈએ છે હે નીચે કપ છે એક આગળ થી ઓલું વહેલું ઉતરી જવાનું સમજણ શું હે રાગે રાગે જે ખોદકામ કરતા નીકળે ને પછી આ બધું મળે એ કલ્ચર એ ના લોકો જમા કરતા જો એ વખતે વાજુ પેટીને તબલાન કેવા હતા રેડિયો જોતા ટ્રાન્ઝિસ્ટર કેવાતું રેડિયોને સુર પેટી બેન્જો ટેપ રેકોર્ડર તાનપુરા ઉપર લખ્યું ઉધર સે ઉતર ફરીને પાછું આવવાનું હે દૂરબીન જો બોલો બધા દૂરબીન જો ત્રણે આવું કંપોસ પ્લેન માં આવી નૌકા એના બતાવે પટેલ કેવી હતી હિન્દ કહેવાતું ને હિન્દ હિન્દુ હિન્દુસ્તાન કા નકશા કેટલું મોટું ભારત હતું પટેલ યુરોપ મેવાડ મેવાડ ચિત્તોડ એટલે આધા લીમડા આધા પીપળા હે દીખ રહા હે એક જ ઝાડ માં હે પરેડ ચાલ રહા નીચે બ્યુટી પાર્લર બોક્સ બ્યુટી
ब्यूटी पार्लर बॉक्स, ब्यूटी पार्लर का बॉक्स। લીધું તમારું આમ લેવું કે ના તમારા જોડે તમે દીધી ને ચલો ને બાકી કે સબ દીધો હા દે પડી કે તો નહી લાગે ને પડી પડી કે આપણે નહી ને હું અમારા ખતરા નહી આયો રે હા બગાવે રા તો આ થોડા મેરા માં બાકી કે તમે દીધી ને હા सावलिया मंदिर चित्तौड़गढ़ से 30 किलोमीटर पहले उदयपुर के रास्ते में आता है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है।
क्या दो गुणों से ले लीजिए भाई, ले ली तो कितलो लांबू है वड़ा मोबाइल पकड़ा तुम 200 रुपया देंगे। चलो चित्तौड़गढ़ के किले की चढ़ाई चालू कर दिया है। ये थोड़ा लुक लुक रगड़ी पड़े ले रही है वो ये अपना बेगो है तो इन्हें पेट्रोल तो बाड़वो नहीं ये आगल गयो है। मामा मैं तो कौन के बैठा जो ले हलो भागी आवड़ो का खर्ची ना हो तुम्हें युवा ने का मतलब नहीं ओने ना ना कहीं शिवला थोड़ा मोटो हो तो चालो दे गयो किलो चलो हजारों मोटे जोरला बोल जाओ जैसलमेर वाला ओना कर दिया जैसलमेर से उदयपुर कर दिया फोटो एवं मस्त क्लीन आवे ऊपर फोटो एंड क्लियरिटी पब्लिक बिचारी बोड़ा में ना थी ने आज आटला आटला में पगे थी मुकेल गाइड ऊपर जो जो लो हमने 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 जरा समझायो ना ताई ने पोतना समझा ना थी आ घणो गेट पियो दियो आ दाखो चित्तौड़ सी ठीक है आप जो कर दो हैं हरिओ बाबूजी देवी तुलजा भवानी मराठा वंश कुल देवी जय भवानी जय शिवाजी। यहाँ किला घूमने के लिए 40 रुपए टिकट 700 एकड़ में ले सालों पूछो के भैया यहाँ एक ही प्रांगण में दो टेम्पल विजिट करेंगे जिस फोर्ट की सबसे पुरानी और सबसे बड़े टेम्पल। वैसे फोर्ट आज से 1600 साल पुराना हिस्टोरिकल फोर्ट है। उदयपुर जयपुर जैसा देखने में उदयपुर जयपुर से काफ़ी सस्ता है। चित्तौड़गढ़ किला किसी का पर्सनल प्राइवेट फोर्ट है। यहाँ के जो वंशज हैं इन्हें गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया गया। यहाँ का वंश अभी उदयपुर फोर्ट सिटी पैलेस अरविंद सिंह मेवाड़ उनके पुत्र लक्षराज से। देखने में हमारा गढ़ चित्तौड़गढ़ पूरा खंडर है। सुनने में खंडित का यह इतिहास है। खाने में सीताफल है और लजाने में का सबसे मशहूर एक महारानी पद्मिनी का पहना है। एक ही स्टोन से पूरा फोर्ट का निर्माण है लाइम स्टोन। ये लाइम स्टोन पत्थर फोर्ट का पत्थर आपको यहाँ गर्मी में ठंडा रहेगा, सर्दी में आपको यहाँ गर्म। इस लाइम स्टोन पत्थर से इस फोर्ट के अंदर में 113 टेम्पल भगवान शिव जी के बने हैं। 84 पानी के तालाब है, 24 पैलेस है, 36 जैन टेम्पल है, 2 टावर है, 1 अग्नि ज्योति है। देखने में खंडित इसलिए कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ पर मुगल आक्रमण हुआ था 24 बार, जिसमें यहाँ के राजपूत लोग 3 बार तो के साथ 3 बार यहाँ की जो रानियाँ थीं जिंदा आग में हस्बैंड के साथ सती जौहर का 3 बार। पहला आक्रमण दिल्ली का बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का हुआ 1300।
सन 1303 में रानी पद्मिनी ने 16,000 दासी के साथ अग्नि में जिंदा अपुत्र हस्बैंड के साथ सती जोड़ा। सेकंड आक्रमण हुआ था सन 1535 में गुजरात बादुश, यहाँ की राजमाता कर्णावती 13,000 दासी के साथ सेकंड जॉब। सन 1568 आक्रमण अकबर का, यहाँ की महारानी फूल कंवर 11,000 दासी के साथ तीसरा जॉब। जब हम तीन बार धोखे सारे, तीन बार हमारा हिंदू धर्म कल्चर मुगल बादशाह ने खंडित करा। आज किसी भी मंदिर की मूर्ति को आप देखेंगे इस तरह से आपको हर जगह खंडित, किसी का पैर, किसी के हाथ, किसी के। और हम हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति मंदिरों में रखकर पूरे विश्व में आज पूजा पाठ करते हैं। कुछ टेंपल, कुछ मूर्तियों को शिशोदिया वंश ने जीर्णोद्धार, फोर्ट का निर्माण रखा गया 5वीं शताब्दी में। इसे फोर्ट को पहले नाम से जाना गया था चित्रकूट। गुजरात से ईडर गांव कालबोज के राजा बप्पा रावल ने इसे चित्तौड़गढ़ का साम्राज्य बसाया और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले आक्रमण में यहाँ फोर्ट पर रानी ने जब सती जोर करा तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट पर काफ़ी मंदिर मूर्तियों को खंडित किया। यहाँ के महाना कुंभा, महाना सांगा, महाना उदय सिंह, महाना प्रताप, महाना सांगा के अलावा यहाँ के शिशोदिया वंश ने चित्तौड़गढ़ को 14वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार किया। चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ करवाया गया, तब से एक गढ़ चित्तौड़ पर एक कहत बनी है, गढ़ों में गढ़ हैं चित्तौड़गढ़े, बाकी सब देखने में गढ़। इसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट का शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान। शक्ति में राजमाता कर्णावती हैं, भक्ति में मीराबाई हैं, त्याग में यहाँ की रानी पद्मिनी है और बलिदान में सुना हो अपने पन्नाधाई का नाम, जिन्हें अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके राणा उदय सिंह जी का वंश बचा। लास्ट में राणा उदय सिंह जी ने 1568 का जब यहाँ अटैक हुआ अकबर का, तब राणा उदय सिंह जी ने गढ़ चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर फोर्ट को बसा। उनकी जगह यहाँ ना महाना फतेह सिंह जी ने युद्ध करा अपनी सेना के साथ। सर कटने के बाद भी धड़ युद्ध कर रहे थे, यहाँ की राणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर को बसाया, तो यहाँ का वंश वहाँ गया उदयपुर, वह लौट कर नहाना दोबारा। यहाँ का फोर्ट का इंडियन का 40 रुपये टिकट है, कॉर्नर का 600 और डिफेंस इंडियन आर्मी कुछ काफ़ी सस्ता है, काफ़ी देखने में खंडर है। यहाँ फोर्ट के एक ही प्रांगण में हम जो दो टेंपल विजिट करेंगे, जो फोर्ट की सबसे पुराने और सबसे बड़े वर्ल्ड सेक्टर यूनेस्को का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ किला, 700 एकड़ ज़मीन, अरावली पर्वत की पारी पर ये पूरा फोर्ट है। इन अरावली पर्वत की पहाड़ों का रेंज गुजरात से स्टार्ट होता है, लास्ट दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, दयालगढ़। की चित्रांग मौर्य वंश ने जब फोर्ट का निर्माण रखा तब इस फोर्ट के एंट्रेंस गेट ईस्ट फर्स्ट पूरब प्रभाव। पूरब का साइड से सूर्यवंशी राजा सूर्य को इष्ट मानकर महल गेटों का निर्माण ईस्ट फर्स्ट पूरब पर रखा। जब अलाउद्दीन खिलजी की पहले आक्रमण चित्तौड़ पर हुई तब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 सन 1303 चित्तौड़गढ़ की पहली 6 महीने की घेरा बनाई। और 6 महीने अलाउद्दीन खिलजी अपने तंबू में चित्तौड़गढ़ के बाउंड्री वॉल के बाद 13 किलोमीटर की पूरे फोर्ट की बाउंड्री वॉल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने अपने किले का राशन पानी रोक लगाया। रानी ने इस फोर्ट के अंदर में अपनी सुंदरता के तौर पर रानी का संदेशा लिखकर भेजा गया रावल रतन सिंह के गुरु राघव चैतन्य मेवाड़ के साथ गद्दारी धोखा करके रानी की एक खूबसूरती रानी के पैलेस में दिखाई। कहते हैं कि मेवाड़ की सबसे सुंदर रानी महारानी पद्मिनी थी, जिनकी त्वचा से खाना पीना एक गले से दिखाई। बप्पा रावल ने इस चित्तौड़ किले पर पहला निर्माण, पहला मंदिर, आज से 1200 साल पुराना मंदिर का निर्माण किया। 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर समेत वो मंदिर मूर्ति को खंडित किया। सन 1433 में ये मंदिर महाना कुंभा ने जीर्णोद्धार। बप्पा रावल ने जब मंदिर को निर्माण दिया, विष्णु भगवान की 10 अवतार में से तीसरे अवतार का ये टेम्पल था वरा अवतार। वह वरा अवतार मंदिर की मूर्ति की आज एक पहचान है। मंदिर की एंट्री टेंस गेट पर ब्लैक मूर्ति लगा विष्णु जी के बाहर विकल्प। मंदिर का प्रूफ रखा गया कि ये भगवान विष्णु वरा अवतार था। विष्णु वरा अवतार की मूर्ति को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद लिया। सन 1433 में नई मूर्ति की स्थापना हुई थी, राधा कृष्ण एंड बलराम। आज ये मंदिर का फ्रंट डिजाइन आगे से गुजरात का सोमनाथ में बना हुआ है और पीछे से जगतनाथ पुरी उड़ीसा टेम्पल में बना हुआ। मंदिर के नाम को जाना गया कुंभ, कुंभ में श्याम की मूर्ति विराजमान करा के मंदिर को नाम रखा गया कुंभा स्वामी टेम्पल। सेकंड टेम्पल है संत मीराबाई। आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, मारवाड़ नागौर डिस्ट्रिक्ट नर्था सिटी कुटकी गाँव में मीराबाई का जन्म हुआ। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का यहाँ ससुराल है। मीराबाई का पियर नर्था सिटी कुटकी गाँव राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र की मीराबाई धर्मपत्नी थी राजा भोज की साथी मीरा का शादी हुआ था 13 साल की उम्र। और दिन बीतते गए, मीरा के हस्बैंड का 8 से 10 साल बाद अकाल मृत्यु होता है, मीराबाई विधवा हो जाती है। हमारे महलों को छोड़कर इस मंदिर में आना, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति करना, नीच कास्ट को गुरु बनाना, संत रविदास जो रहने वाले थे बनारस जाति के मोची
राजघरानों की बहू मेवाई। नीची कास्ट को गुरु बनाकर इस मंदिर में उठना बैठना नाच गाना करना, साधु संत के साथ पूरा समय मंदिर में बैठना, यहाँ घूम उधर से उधर से इधर 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 कैमरा में शानदार हो गया वो अलग सेटिंग अच्छा लगाते हैं अब लगा दीजिए चलो अभी जो बोल के काम करते हैं आप बोलोगे तो लेंगे भाई नहीं लेंगे अरे धूप ही आ रहा है उधर थोड़ा देखिए बेटा ऐसे पकड़ो बंदूक को एक हाथ ऊपर एक ऊपर नहीं जाएगा अब नहीं गिराएगा अब ऊपर नहीं जाएगा ऊपर नहीं जाएगा आपकी भाषा में सुन लो दादा स्माइल रखो बेटा स्माइल रखो ये जौहर स्थल गोमुखकुंड और एक शिव टेम्पल। पहला आप देखते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, इसे बोला जाता है विजय स्थल। सिमाहाना कुंभा ने सन 1440 में मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्ति करके इसे बनाया। दो मुगल स्टेट से विजय प्राप्ति में इसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मालवा और गुजरात बनने में 10 साल लगा, बनाने में उस वक्त 90 लाख खर्चा आया और 5000 मजदूर ये सुंदर कलागिरी को बनाने में लगा। 122 फीट इसकी ऊंचाई बनाई जाती है और 30 फीट इसकी चौड़ाई बनाई जाती है। इसमें जाने आने के लिए 300 सीढ़ियों का निर्माण दिया जाता है। 9 मंजिल में नवगिरी की मूर्ति को स्थापना दिया जाता है। कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने इसमें आना जाना बंद कर रखा है। प्रेजेंट टाइम में सब छू कर महसूस कर सकते हो, इसके साथ फोटोग्राफी कर सकते हो, पर अंदर आना जाना नहीं है। 122 फीट ऊंचाई है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है। बनने में इसे 10 साल लगा और बनाने में उस वक्त इसे लागत 90 लाख खर्चा आया और 5000 मजदूर ये सुंदर कलाकृति को बनाने में। मूर्तियाँ वगैरह अगर आप बाहर से देखते हैं तो किन्हीं के हाथ, किन्हीं के पैर, किन्हीं के मुंह खंडित। इसका शेप अगर आप दूर से देखेंगे तो शिव की डमरू के आकार में इसका शेप है। नीचे से 2 फ्लोर चौड़ाई है, बीच में 5 फ्लोर सकड़ाई है, फिर ऊपर से 2 फ्लोर चौड़ाई है। ये हमारे राजस्थान पुलिस का सिंबल है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ से 200 साल पुराना आपको एक टावर देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ, जो 6 मंजिल है, 75 फीट, 54 सीढ़ियाँ। जैन धर्म को समर्पित करके बनाया कीर्ति स्तंभ के नाम से उसे जाना है, जो फोर्ट के फ्रंट है। जो 7 गेट अभी आप पाडलपोल, भैरवपोल, हनुमानपोल, रामपोल, लक्ष्मणपोल, गणेशपोल, जोलापोल, बड़ी पोल, ये फोर्ट का बैक साइड है, जो फोर्ट का आज हमारे और आपके लिए फोर्ट का फ्रंट हो चुका है। तो अंदर आए, ये स्थान चारों तरफ से शमशान घाट, शमशान घाट के नाम से एक समाधिस्थल महादेव मंदिर है 1100 साल पुराना। इसी मंदिर के जस्ट पास में पानी का कुंड है जिसे बोला जाता है गोमुखकुंड। पहला आपने देखा टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ। इस गेट से हम एंट्री होकर आए, इस गेट को कहते हैं नॉर्थ उत्तरी जोन। एक गेट वो बना हुआ उस गेट को कहते हैं ईस्ट जोन। जितने भी छोटे छोटे टेम्पल्स बने हैं जो मुगल आते हैं, ये सारे साधु संत का समाज। यहाँ एक मंदिर बना हुआ था, इसे सती टेम्पल कहते हैं, सती। और इसी के जस्ट नीचे एक गार्डन है, गार्डन में आप देख रहे हैं मिट्टी का हवन की। हर साल साल में इतना होली की ताला है, आत्मा को शांति प्रदान के लिए सन 1303 में रानी पद्मिनी ने 16000 दासी के साथ यहाँ सती की पूजा पाठ करके गंगा आदमी कुछ सती जो हवन में नहीं कुंड में कुंड नहीं है पूरा गार्डन ये से जौहर कुंड का 40 से 90 फीट टेढ़ा कुआ होता है। 1839 में बाबा मोहन राम ने सती प्रथा को बैंड कराया और गुंडरट प्रथा को रखा। गवर्नमेंट ने मिट्टी से भरवा कर कुंड को भारत का इस स्थान का जौहर स्थल के नाम से जाना।
यहाँ एक ही कुंड में तीन बार रानियों का सती जोर हुआ। बताया सन 1303 में रानी पद्मिनी, 1682 सन 1535 में गुजरात बादशाह का आक्रमण, राजमाता कन्नावती सन 1568 में महारानी फूलकर, तीन बार मेवाड़ की रानियों ने जिंदा आग में कूद कर अपने आप को इज्जत फोट किया, बादशाह को बचा तो इस स्थान पर जौहर जौहर कुंड भरवा दिया गया। 1100 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर का फ्रंट डिजाइन आगे से गुजरात का सोमनाथ और बैक साइड से एमपी का खजुराहो है। मंदिर को बोलते हैं समाधीश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में एक ही पत्थर पर 9 फीट की त्रिमूर्ति है। भगवान शिव के तीन रूप हैं। हिंदुस्तान भारत का ये पहला मंदिर जहाँ शिव के तीनों रूप। भारत का भी तक एक ही टेम्पल है जो पुष्कर है, वो वर्मा जी का मंदिर है। यहाँ वर्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप साथ। मंदिर का अगर आप मूर्ति का रूप देखेंगे तो पहली मूर्ति मुस्कुराते हुए, सेकंड मूर्ति क्रोध में और थर्ड मूर्ति गुस्से में। एक मानने वाला, एक पालन पोषण करने वाला और एक जन्म देने वाला, जिसे बोला जाता है वर्मा विष्णु महेश। 9 फीट की मूर्ति का निर्माण रहा, फिर बाद में मंदिरों का निर्माण रहा। बाकी मंदिर बनाए जाते हैं, फिर हम मंदिरों में मूर्ति का स्थापना करते हैं। मंदिर में आप आना जाना करेंगे तो आपको त्रि रखवायो आज तुम तड़को लाग रहे हो, घना ऊंचा चढ़ी गया भी। चित्तौड़ किलो है आप गर्मी में आके देखोगे तो भी पानी इतना बड़ा रहेगा। वो देखो लोग आ रहे हैं, दिखे दिया विदाउट गाइड उधर जाते हैं, उनके वो नीचे एक जाली लगा हुआ, जाली से ओवरफ्लो हो रहा है, किले के बाहर भी जाता है। जौहर कुंड
ये रानी पद्मिनी पैलेस है। रानी पद्मिनी पैलेस रस्ता पड़िया है अंदर। हाँ ये थोड़ी हजी है नहीं मटतू हाँ हजी नहीं मटतू कहन के आवर ऊँचू जय माता जी। हेलो भाई ए लाइन में चलो एक लाइन में ऊपर से भी लाइन है। अरे ए सिंगल लाइन ए काबर दरवाजो बंद थी जो तो एक लाइन 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 चेतक समाधि हल्दी घाटी में अभी ये राष्ट्रीय स्मारक बनाया हुआ है महाराणा प्रताप और चेतक के साथ। पहाड़ी के हाई लेवल पे है, बहुत ऊंचे पे है, चारों बाजू पहाड़ी है। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। बस एटले उभर आवे तू आगे जा तू बल्दिया चढ़ी हो।
लागे रही वक्त ना बता अब चित्रा नवाग ने जी मुखवा बात की है मोटी टाकी माटलो मोट अरे ये जिद्दू है गाड़ी तक क्या लाल आ गई हाथ पकड़ो ऊपर से मारो आंदरन का खौड़ा हुआ है और मामा ने हाथ पकड़ा मामा ऊपर है रहा इतना खराब है लोगों को हाथ पकड़ ભાઈ ધ્યાન રાખજે ભીત પડે ની ત્રણ થઈ ગઈ કેવું બનાય કેટલું ઊંડું આપડા હાઈટ ઘૂટે છે આવું છે આકડા પોલ मेरा फोन से लेकर आप मेंबर कितने कुंभा महल અચ્છા બહાર જવાનો રસ્તો કોટડી એ બધી ગાના બંધ થઈ ગયા હું લાલ લુગડું પાસે દેખાય યાર કોઈ ગાડી કેટલી પાર્કિંગ થઈ ગઈ અવાજ કેટલો કર્યો તાર જો ગરગડી એની ગાડી કેટલી પાર્કિંગ થઈ ગઈ જો જબરી સ્પીડ હે જીગર રાખીને જાય રહીએ તો ગાડો ઉપર મસ્ત દેખાતો છે મોર ભાગી ગયો ચપ્પલ સરખા દ્વારપાળ એ તો પછી ભૂલી જવું પડે પણ એ ભૂલતા નથી બધા શું કરે આપણે
ऊपर क्या रहा आया ने भाई जोतो तो तू काम जो ना देखो ना बता।